7.6 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने एक बार ऑफलाइन बैच की, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि हम लोगों ने जैसे 7 नंबर क्वेश्चन आएगा ना इसका, अभी आप आगे पढ़ोगे तो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें x इंटू साइन इनवर्स x है और 9th क्वेश्चन में x इंटू कोस इनवर्स x है जो आपके सामने गिवन है। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने 7 क्वेश्चन डिस्कस किया और जो 9 नंबर क्वेश्चन था उसको स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया कि एज इट इज क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो करके देखना इस चीज़ को। नेक्स्ट डे 80% स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि सर हमारा ये क्वेश्चन नहीं आया, हमसे सोल्व नहीं हुआ। कमाल की बात है, जब सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ओनली साइन और कोस का डिफरेंस है, उसके बाद 80% स्टूडेंट, देखो 20% ने तो कर दिया उस चीज़ को, अच्छी बात है, बट 80% स्टूडेंट ने बोला कि हमारे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, कमाल की बात। फिर मैंने उनकी नोटबुक चेक की, नोटबुक चेक करने के बाद देखा यार ये उनका आंसर आ रहा था, मोस्टली सभी का लगभग यही आंसर आ रहा था जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये आंसर तो सही था उनका, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो उनका आंसर है वो बुक से मैच नहीं कर रहा था। देखो ज़रूरी नहीं होता कि काफ़ी बार आंसर अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो आप ये मान के चलो कि जो आपने किया वो चीज़ गलत है, इसका मतलब तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आपने किया वो सही है या गलत है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो आंसर उनका आ रहा था इसमें एक स्टेप और आगे करना था, उसके बाद उनका आंसर मैच कर जाता। अब उन्होंने सिर्फ एक स्टेप नहीं किया, इसकी वजह से उनको क्या लग रहा था कि उनका आंसर क्या है, गलत है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, आप चलो आंसर मैच करना है अच्छी बात है, बट मैथमेटिक्स के अंदर आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि जो प्रोसीजर जो कंसेप्ट आपने लगाया है वो कंसेप्ट सही है तो आपका आंसर सही है। अगर कोई टीचर आपके इस आंसर को गलत नहीं कर सकता, अगर आपने इतना छोड़ दिया, आपने आंसर मैच नहीं किया, तब भी कोई भी टीचर आपके इस आंसर को गलत नहीं कर सकता। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सही प्रोसीजर अप्लाई किया है, आपने इस आंसर पे उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपको 10 में से 10 ही मिलेंगे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में आपको आंसर दे रखा है आपने वही आंसर मैच करना है। पहले बात तो जब भी आप मैथमेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो प्रोसीजर आपने यूज़ किया है, जो फॉर्मूले आपने यूज़ किए हैं वो सही हैं। ओके, तो पूरा वीडियो देखना इस क्वेश्चंस के आगे क्या स्टेप लगेगा और इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चंस हमारा सही किस प्रकार से हो सकता है, आपका जो आंसर है वो बुक के आंसर से कैसे मैच कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जो हमारी 7.6 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के, कुछ इसके जो बेसिक्स और जो एग्जांपल्स हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। सेम इसके अंदर जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन, आई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा रहेगा कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डी बाई डी एक्स करना है हम लोगों को, फर्स्ट फंक्शन का, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स। अब देखो x क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस ऑफ कोस x, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और साइन x का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोस x एंड dx। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली क्या करना है, माइनस ऑफ x कोस x एज इट इज रहेगा यहाँ पर, एंड माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स एंड डी एक्स, माइनस ऑफ एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज साइन एक्स, ओके इसका प्लस का साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक्स साइन 3x डी एक्स, सेम ही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x dx। तो हम इसके अंदर हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा x एंड सेकंड फंक्शन हो जाएगा साइन 3x। तो x क्या रहेगा, कौन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x एंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट d बाय dx ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स। तो एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, साइन 3x का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, वही माइनस कोस 3x, लेकिन 3x का इस बार क्या हो जाएगा अपॉन 3, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स करेंगे x का तो आ जाएगा 1, और इसका हो जाएगा साइन 3x का माइनस ऑफ कोस 3x अपॉन 3।
इंटू डी एक्स, इधर क्या आ गया माइनस साइन बाहर ले आओ आप, ये हो जाएगा x अपॉन 3 इंटू कोस 3x माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस अंदर भी है, ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और 1 अपॉन 3 को चाहो तो आप 1 अपॉन 3 को भी बाहर ले आओ, कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या बच गया कोस ऑफ 3x dx। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x अपॉन 3 इंटू कोस 3x प्लस 1 अपॉन 3, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस 3x का तो ये क्या आ जाएगा साइन 3x, और 3x का करेंगे तो अपॉन में 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो 1 अपॉन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन 9 लिख सकते हो, एक स्टेप और आप आगे लिख सकते हो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ आई के आगे किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन, क्यों, एलजेब्रिक हमारे पास पहले आता है बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स, यह आ जाएगा ई की एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर काम करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज़ टू एक्स, और ये रहेगा ई की पावर एक्स एज इट इज़, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स एंड डी एक्स, इसमें से आप कॉन्स्टेंट है टू उसको बाहर लेना चाहो बाहर रख सकते हो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ये देखो ये फिर अगेन एक क्वेश्चन बन गया हमारे लिए, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ आई वन मान लेता हूँ, और इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू यहीं पर लाकर पुट कर दूंगा, तो आई वन हमारा किसके इक्वल आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेम वही इसको हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, तो आई वन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा एक्स एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एंड डी एक्स। देखो फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना फास्ट मैं लिख पा रहा हूँ आप क्वेश्चन करने के बाद इतनी ही स्पीड से या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा स्पीड से भी आप लिख पाओ, ओके, क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस करो अपने आप चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पर एक्स का क्या हो गया वन, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एंड डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स एज इट इज़, ये हो जाएगा वन कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो ये वैल्यू उठा के आप इसके अंदर डाल दो, प्लस सी को तो वैसे हम लास्ट में एक बार ही प्लस ऐड कर देते हैं, प्लस सी बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस नीचे से जो आई वन लिखा है इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट करना चाहते हो चीज़ों को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स माइनस टू इंटू, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा ये कंप्लीट ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा के रखो इसके अंदर एक्स ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, सी को हम लास्ट में एक बार प्लस कर देंगे साथ में, तो एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस सी, क्लियर है। आप देखो ई की पावर एक्स इसमें भी है, ई की पावर एक्स तीनों के पास है, तो आप चाहो तो ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बच गया हमारे पास इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड प्लस टू प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पर। तो फोर नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है एक्स लॉग एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब सिंपली किसको हम फर्स्ट मानेंगे, लॉग को हम फर्स्ट मानते हैं क्योंकि लॉग पहले आता है एलजेब्रिक बाद में आता है, तो एक्स को हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, तो हम अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट जरूर लगा लो आप लोग, किसका डी बाई डी एक्स करना है यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का, वो क्या है हमारे पास लॉग एक्स, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स,
तो लॉग एक्स, एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स, और एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स, सॉरी इस एक्स से एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू और लॉग एक्स को मैं एज इट इज रख लेता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या बचा हमारे पास, तो और वन अपॉन टू को मैं बाहर ले आता हूँ, कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या बचा ओनली एक्स डी एक्स। अब सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, हमारा क्वेश्चन सोल्व है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन टू, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। आप इसे नेक्स्ट स्टेप में और क्या कर सकते हो, इस वन अपॉन टू को टू को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव पर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स लॉग टू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वलन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग टू एक्स एंड डी एक्स। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि आई लेट्स क्या करूँ, लॉगरिथमिक हमारा फर्स्ट पहले आता है और एल्जेब्रिक्स बाद में आता है, तो लॉगरिथमिक को मतलब जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड। तो अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर हम, लॉग टू एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी लॉग एक्स, लॉग टू एक्स जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट का इंटीग्रेशन। लॉग एक्स हमारे पास क्या रहेगा, लॉग टू एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स, और टू एक्स का करेंगे तो टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स। तो इस टू से टू कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, देखो इस लॉग टू एक्स को मैं एज इट इज लिख देता हूँ और एक्स स्क्वायर अपॉन टू को भी मैं लिख देता हूँ एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ से हमारे पास वन अपॉन टू है कॉन्स्टेंट, उसको मैं बाहर ले आता हूँ, अंदर हमारे पास बचा ओनली एक्स डी एक्स। लॉग टू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू को एज इट इज रखो, एक्स का जब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको आप अरेंज करके लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू को आप आगे लिखना चाहो आगे लिख दो, लॉग टू एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अच्छा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये डिमांड करता है कि जो हमारा ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, जो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना वन एंड टू का और एफ एक्स डी एक्स का, जो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, आप पूछते हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो ये जो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ा था ना, जैसे मल्टीप्लीकेशन यू एंड वी का जब हम डेरिवेशन फाइंड करते थे, जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे समथिंग, उसी से हम लोगों ने इसको ड्राइव किया है। अगर आप बोलते हो तो मैं वैसे बता सकता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्योंकि उसकी खास इंपॉर्टेंस है नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसमें हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो आई इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स एंड डी एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड मान लेते हैं आई लेट्स के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं, लॉग एक्स हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ओके, लॉग एक्स को मैं क्या करता हूँ एज इट इज रखता हूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू डी एक्स। तो ये एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट है, बाहर रख लो आप इसको, अंदर क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंपली अब मैं इस एक्स क्यूब अपॉन थ्री को आगे रख दूँ
लॉग एक्स, बस मैंने आप इसको आगे रखा, बाकी कुछ चेंज नहीं किया इसके अंदर। 1/3 इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 3 प्लस सी। अब थोड़ा स्पीड से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, हम काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के कर चुके हैं अभी तक। लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब 3 × 3 9 प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो अब मैं बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसके अंदर एक ऐसा फॉर्मूला यूज होने वाला है जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 7.7 में हमें पढ़ने को मिलेगा। बट तो आप पूछेंगे अगर वो फॉर्मूला हमारे पास अभी तक नहीं आया है तो हम देखो बिना फॉर्मूले के भी वैसे तो हम डेरिवेशन से उसको कर सकते हैं, बट हमें फॉर्मूला में क्या होता है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट टेंशन मतलब मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के, जिसके अंदर आपको एक तो फॉर्मूला यूज़ करके भी बताऊंगा वो, और एक विदाउट फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी 7.6 एक्सरसाइज में दिया है तो आप बोल सकते हो कि हमें वो फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है तो हम कैसे करें उसके बिना, तो विदाउट फॉर्मूले की हम डिस्कस करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो आई किसके इक्वल है, आई इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। पहले तो मैं बता देता हूँ हमारा जो मेथड है, मतलब मैं इसको जो विदाउट फॉर्मूला यूज़ करके हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो हम इसमें एक्स के प्लेस पर क्या मान लेते हैं, साइन थीटा। उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा इनवर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो डी एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा एंड डी थीटा। तो डी एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा एंड डी थीटा। तो पुट कर दो इसके अंदर ये वैल्यूज, तो आई इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के प्लेस पर आ जाएगा साइन थीटा, और इसके अंदर साइन इनवर्स की बात करें तो मैं साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर क्या है, साइन थीटा पुट कर दो, एंड डी एक्स के प्लेस पर आ गया कोस थीटा एंड डी थीटा। अब आप सोच रहे पहले क्वेश्चन हमारा इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, इसको छोटा कर देते हैं अभी। तो आई इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो साइन इनवर्स ये वाला, साइन इनवर्स एंड साइन थीटा, इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली थीटा। तो मैं थीटा को क्या लिख देता हूँ आगे, अब क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा ये वाला साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड डी थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब मैं अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे 1/2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जो डिवाइड वाला 2 मैंने क्या कर दिया, बाहर रख दिया। तो अब हमारा आई किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा। अब ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, डैट इज साइन 2 थीटा। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आपके ना जो थोड़े से आपके हाथ मजबूत होने चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। आई किसके इक्वल आ गया, 1/2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके अंदर आप अप्लाई कर दो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड दैट इज सेकेंड फंक्शन। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 को मैं बाहर रख लेता हूँ, ब्रैकेट जरूर याद रखना, थीटा एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी थीटा करो इस बार यहाँ पे ना, इंटू थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा एंड डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाओ जरूरी है, एंड डी थीटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 को मैं एज इट इज रखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, थीटा एज इट इज रहेगा, और साइन 2 थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस 2 थीटा 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेशन हो गया 1 एंड साइन 2 थीटा का अगेन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा 2 इंटू डी थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 ये हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कोस 2 थीटा 2 माइनस, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस साइन को बाहर ले आते हैं, प्लस हो गया कोस 1/2 भी कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर ले आता हूँ ओके। और इसका करूँगा मैं कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज साइन 2 थीटा 2, क्या आ गया यहाँ पर, साइन 2 थीटा 2 एंड प्लस सी। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब सिर्फ थीटा के प्लेस पर हमें वापस इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, लेकिन थोड़ा उससे पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा माइनस 1/4
थीटा इंटू कोस टू थीटा, कोस टू थीटा प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू और वन अपॉन टू, मतलब वन अपॉन एट हो गया एंड साइन टू थीटा। साइन टू थीटा को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा कोस थीटा लिख दूँ, टू साइन थीटा एंड कोस थीटा प्लस सी। अब हमें सिंपली थीटा को ख़त्म करना है यहाँ से, तो जहाँ जहाँ आपको थीटा दिख रहा है उसको एक्स की फॉर्म में वापस रिप्लेस कर दो, तो माइनस वन अपॉन फोर यहाँ पर एज इट इज रहेगा। थीटा के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आप थीटा फाइंड करोगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। भाई साइन को उधर ले जाऊंगा किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स। और एक कोस टू थीटा है तो मैं इसको भी थीटा में चेंज कर लेता हूँ, कोस टू थीटा को मैं साइन क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इसके प्लेस पर, साइन के टर्म में चाहिए हम लोगों को तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन एट, ये वन अपॉन एट इससे वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये वन टू से देखो कैंसिल आउट हो गया ना, तो क्या बचा फोर, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन फोर। और साइन थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स, ये देखो साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। अब कोस थीटा के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, तो कोस को मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब देखो अब शायद मेरी इमेज के नीचे तो कुछ कवर नहीं हो रहा, चलो मैं हट जाता हूँ दो मिनट के लिए, गायब हो जाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लगभग हमारा सोल्व हो चुका है यहाँ से, तो माइनस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स, और इसमें आ जाएगा देखो ये आ गया वन के, तो एज इट इज रहेगा टू साइन थीटा के प्लेस पर मैं क्या रख दूँ, एक्स रख दूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये आ गया टू एक्स स्क्वेयर माइनस, ये हो जाएगा एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा के प्लेस पर एक्स रख देंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके अगर आप चाहो तो इस माइनस के साइन को नेक्स्ट स्टेप के अंदर, बात कर रहा हूँ एक स्टेप आप चाहो तो और लिख सकते हो, ये जो माइनस का साइन है इसके अंदर ले जाना, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अगर आप कहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वन अपॉन फोर साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, क्योंकि जो माइनस था मैंने अंदर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। देखो कहीं पर भी वो जो हमारा 7.4 एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी 7.7 एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूला आने वाला है हमारे पास, वो हमने कहीं पर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, विदाउट उस फॉर्मूले के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, एक सेकेंड मेथड है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ साथ साथ। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है, उसके अंदर हम कैसे करेंगे इसको, आई इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, थीटा वीटा नहीं मानेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। आई लेट पढ़ाया आप लोगों ने, आई इन मतलब इनवर्स, एल्जेब्रिक उसमें क्या आता है, बाद में आता है। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट जरूर अप्लाई करना यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एज इट इज लिख देते हैं हम यहाँ पर, एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू एंड डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो हमें कोई चेंज करना नहीं है, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन टू को मैं आगे लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब इसमें से आप वन बाई टू क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, ऊपर बचा एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास क्या गिवन है वन माइनस एक्स स्क्वेयर और ऊपर क्या है ओनली एक्स स्क्वेयर, तो इनको सेम कर लेते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से प्लस वन कर देता हूँ इसमें एंड
माइनस वन, बट उससे होगा नहीं क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है किसका है, माइनस का है, तो मुझे इसको पहले इक्वल करना पड़ेगा, ऊपर भी मुझे माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इस साइन को, वन सेकेंड, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लस कर देता हूँ, इस माइनस के साइन को अंदर ले आता हूँ, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब ये भी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अभी माइनस का साइन कहाँ से आया समझ गए ना, ये जो बाहर माइनस का साइन था वो मैं उसको अंदर ले आया, बाहर प्लस का कर दिया मैंने, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं इसमें प्लस वन कर देता हूँ और माइनस वन कर देता हूँ इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा हमारे पास, प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखो अब हम क्या कर सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये प्लस का वन और माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको इकट्ठा लिख लेता हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, ओनली माइनस का वन बचा, तो माइनस को मैं बाहर छोड़ देता हूँ, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर। अब हम इजिली इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इतना आसानी से नहीं कर सकते, मतलब इजिली का मतलब ऐसा नहीं है, इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसका मैं भी बता देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसके अंदर। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, तो एज इट इज रहेगा, ये चीज़ तो हम सोल्व कर चुके हैं, प्लस वन अपॉन टू। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो वन अपॉन टू है दोनों के साथ इंटीग्रेशन में है, ये इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी, तो मैं इनको दोनों के साथ लिख देता हूँ, तो वन अपॉन टू, अब ये चीज़ नोटिस करो, यह क्या है हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स अपॉन रूट एक्स, तो जो ऊपर वाला एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं अपॉन रूट एक्स, तो एक रूट एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर हमारे पास क्या बचता है ओनली रूट एक्स, समझ गए ना इस चीज़ को, तो वही मैं यहाँ पर करके लिख रहा हूँ, लेकिन इस बार अंडर रूट के अंदर क्या चीज़ है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। आप दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, माइनस इस वन अपॉन टू को मैं इसको पास भेज देता हूँ, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आप कहो तो मैं पीछे उसको इरेज कर देता हूँ, वरना आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। अब सिंपली ये चीज़ तो हमारी एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू। अब ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, एक अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, किसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं एक सेकंड के लिए ना खुद को गायब कर देता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास थोड़ा स्पेस कम रहेगा तो आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है एक्स अपॉन टू, वन सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपने ये अप्लाई कर देना है, और यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास, ए के प्लेस पर यहाँ पर है हमारे पास वन, देखो यहाँ पर क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए के प्लेस पर क्या आ गया वन आ गया, आप स्क्वायर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो एक्स अपॉन ए वन बाई टू पहले हमारे पास था, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए के प्लेस पर कौन है वन, तो वह आ जाएगा वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब एक्स। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ माइनस वन अपॉन टू, इसका क्या हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल ये तो आपको सभी को पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन फाइनल आंसर नहीं आया है, वैसे तो आंसर हमारा आ गया, लेकिन वही बात है आपको क्या करना है, इस आंसर को बुक के आंसर से मैच करना पड़ेगा, तो बुक के आंसर से मैच करने के लिए भाई उसमें थोड़ा सा और अभी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ब्रैकेट को तो आप अप्लाई कर देना, ये देखो वन बाई टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था ना, ये जो वन अपॉन टू था इसके साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये कंप्लीट के साथ रहेगा। अब ये जो वन बाई टू एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स
एक्स, इसको मैं इसी लाइन में लिख देता हूँ, माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो, इन दोनों को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स। तो क्या बचेगा इसका, जो आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा फोर, एंड ये बचेगा हमारे पास इधर आ जाएगा टू माइनस वन, मतलब वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा ये। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, एज इट इज रखते हैं इसको भी हम, एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये हमारे पास बचा माइनस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स। ओके, आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेना क्योंकि इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, जो उम्मीद आप कर सकते हो इजिली। आप देखो इसके अंदर भी साइन इनवर्स है और इसके अंदर भी साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें से आप चाहो तो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले सकते हो, और साथ में वन अपॉन फोर को भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स को क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा, जैसे वन अपॉन फोर लेंगे तो इसमें हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वन अपॉन फोर कॉमन आएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर माइनस, इधर से बचा वन प्लस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, अगर अभी भी आपके बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा तो आप बता सकते हो, कुछ और ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी ये है हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दो तरीके थे 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने के, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और जो ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया जस्ट अभी, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने को मिलेगा, और कहाँ पर हमें इसका अप्लाई किया है, मतलब हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है, वो भी आप देख सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आई इक्वलेंट टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स एंड डी एक्स। तो इनवर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये एलजेब्रिक सेकेंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं, काफ़ी इजी है। तो टेन इनवर्स एक्स क्या रहेगा हमारा, एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डी बाई डी एक्स करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स, एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू माइनस, माइनस इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू डी एक्स। तो इधर से देखो आप, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज़ है हमारा, माइनस इसमें से वन अपॉन टू को बाहर रखना चाहो तो बाहर रख सकते हो, कॉन्स्टेंट है। अंदर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब हमें नीचे ऊपर सेम बनाना है, ऊपर वन अपॉन ओनली क्या है, एक्स स्क्वेयर है, नीचे क्या है वन प्लस एक्स स्क्वेयर है। तो अगर मैं उसमें प्लस वन और माइनस वन कर देता हूँ, मैंने एक बार क्या किया प्लस वन किया, एक बार माइनस वन कर दिया। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक बार तो मैं इसके डिवाइड में करके लिख देता हूँ इसको, और एक बार हमारे पास क्या बचा, ओनली माइनस का साइन, माइनस वन बचा, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस, आप देखो एक चीज़ ध्यान रखना यार, वन अपॉन टू से ना मिस्टेक मत कर देना, ब्रैकेट लगा लिया करो, वन अपॉन टू को बाहर रखो, आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो यहीं पर। ओके, अगर नहीं करना चाहते तो इसको आप रख सकते हो, एक बार इंटीग्रेशन इससे देखो कैंसिल आउट हो गया, इधर भी वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, इधर भी वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ओनली वन डी एक्स माइनस इस वन अपॉन टू से, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, वन अपॉन टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस वन अपॉन टू इंटू, ये करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ये आ गया एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस इसके अलावा आप कुछ कर सकते हो इसके अंदर, कर सकते हो तो ज़रूर करो। ओके, आप टेन इनवर्स एक्स को चाहो तो कॉमन ले सकते हो, देखो इसमें भी टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर भी टेन इनवर्स एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से टेन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, एंड इधर से कॉमन क्या बच गया टेन इनवर्स एक्स,
माइनस इधर से बचा एक्स अपॉन टू प्लस सी, आप इसमें भी और एलसीएम ले सकते हो तो ऊपर आप हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन टू प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब इनमें से जो भी आपका आंसर बुक से मैच कर रहा हो वहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है x इंटू कोस इनवर्स x, क्या गिवन है x इंटू कोस इनवर्स x। अब ये वही क्वेश्चन हमारा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। देखो तो i इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस इनवर्स x dx, इसको हमारा फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप जैसे सेवन क्वेश्चन की तरह दोनों तरीके से कर सकते हो। एक्स को हम क्या मान सकते हैं, कोस थीटा मान सकते हैं, उससे जो हमारा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया था मैंने उस क्वेश्चन को, सेवन नंबर को, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम चलेगा, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं करना आप लोगों को। ओके, एक्स को कोस थीटा मानो, डी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आप डेरिवेटिव कर लो उसका। ओके, आप कर सकते हो चाहो तो, करना चाहो तो। मैं इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि वह मैं क्वेश्चन सेवन में डिस्कस कर चुका हूँ वो प्रोसीजर, तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे उस प्रकार से। अगर नहीं होता है तो बता सकते हो, मैं करा दूंगा उसमें। तो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, कोस इनवर्स एक्स हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स। तो कोस इनवर्स एक्स हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स का डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड डी एक्स। इसको आप एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड कोस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू को आप चाहो तो बाहर रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ इस माइनस साइन को अंदर रखना क्योंकि इसका यूज होने वाला है, क्योंकि नीचे भी हमारे पास माइनस एक्स स्केयर है, ऊपर भी हमारे पास माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना होता है, एक बार प्लस वन कर देते हैं, एक बार माइनस वन कर देते हैं क्योंकि इसको एज इट इज इसके जैसा मैच करना है। तो एक्स स्केयर अपॉन टू इंटू कोस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ प्लस वन इसके साथ यूज कर लेंगे तो आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर, और इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक बार ही आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनको अलग अलग करके इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, तो इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस ऑफ इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, अंदर वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ये ऊपर बचेगा हमारे पास जैसा सेम लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वन बाई टू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस इनवर्स एक्स एज इट इज है, और इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं वही हमारा जो हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया था। अगर आप चाहो तो मैं खुद को हटा देता हूँ यहाँ से कुछ देर के लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ मेरी इमेज के नीचे कवर हो जाएगा यहाँ पर, तो शायद आप स्टेप मिस कर जाओगे। तो वन अपॉन टू फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स अपॉन टू जो मैंने सेवन नंबर क्वेश्चन में लिखवाया था वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का, तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर मतलब ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ए के प्लेस पर कौन है, वन है यहाँ पर, प्लस ए स्केयर अपॉन टू मतलब वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स ही है, और ए के प्लेस पर कौन है, वन है, तो प्लस वन अपॉन टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स एक्स का, तो अप्लाई कर दो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इसके ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू कोस इनवर्स एक्स माइनस, ये हो जाएगा x अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये देखो वन बाई टू दोनों से है और माइनस का साइन भी जरूर याद रखना है, ये हो गया माइनस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स x प्लस, ये हो गया वन अपॉन टू साइन इनवर्स x प्लस सी।
अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो अभी इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो किसका आ जाएगा, ये हमारे पास, ये आएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर, तो ये बचेगा प्लस वन अपॉन फोर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास निकल के प्लस का। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा फोर, और इसका करोगे तो इधर से आएगा माइनस वन और प्लस टू, तो आ जाएगा प्लस का वन इंटू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी किसका, प्लस का आएगा ना, प्लस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू, तो प्लस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स आएगा ही, ओके, क्योंकि प्लस का टू है ना इधर, प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर? अब देखो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आपने एग्जाम में इतना आंसर छोड़ दिया अपना, इस क्वेश्चन पर, इस स्टेप पर आपने अपना क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इस चीज़ को। ये नहीं कह सकते कि आपने गलत किया है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही प्रोसीजर यूज़ किया है, सारे सही फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, आपका गलत कैसे हो सकता है। बस लेकिन जो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, क्यों मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपके आंसर के अंदर साइन इनवर्स एक्स को ख़त्म कर रखा है, वहाँ पर ओनली कोस इनवर्स एक्स दे रखा है। तो आप सिर्फ यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को हटा दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स को हम हटाए कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, किसके इक्वल टू होता है, ये पाई अपॉन टू। बस यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को हटा दो ना, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई अपॉन टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, हो गया आपका आंसर सोल्व। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस ऑफ इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन टू माइनस कोस इनवर्स एक्स एंड प्लस सी, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर हो गया सोल्व। बस इससे ज़्यादा क्या बचा है क्वेश्चन के अंदर, अब तो सिर्फ आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सिंपलीफाई करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन टू कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस पाई बाई एट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा वन अपॉन फोर इंटू कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक कोस इनवर्स एक्स यहाँ पर है, एक कोस इनवर्स एक्स यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से फोर भी कॉमन ले लेते हैं। तो मैं जो नीचे लिखा हुआ इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं थोड़े इधर से इनको भी इरेज कर रहा हूँ, आप इन स्टेप को नोट कर सकते हो। अब देखो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इधर से, चलो पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ ना यहाँ से, तो हम हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो कॉमन आ गया कोस इनवर्स एक्स, इधर से देखो क्या कॉमन आ गया, वन अपॉन फोर कॉमन ले लिया मैंने, और कोस इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया। क्लियर? तो इधर से क्या बचेगा हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर, उधर से क्या बचा माइनस वन प्लस, सॉरी माइनस, अब इसको लिख देते हैं एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके अलावा क्या बचा, एक तो पाई अपॉन एट बच गया और एक सी बच गया, दोनों क्या है कॉन्स्टेंट है, ये तो आपको पता है, दो कॉन्स्टेंट और दोनों को प्लस कर देंगे अगेन कॉन्स्टेंट आएगा। आप चाहो तो सी लिख दो, आप सी वन लिखना चाहो सी वन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस चीज़ का। मैं आपका आंसर इधर लिख देता हूँ, वन अपॉन फोर कोस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी लिखो सी वन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। सिर्फ आप अगर इस स्टेप पे छोड़ दे यहाँ पर, अगर आप इस स्टेप पे छोड़ देते तभी आपका क्वेश्चन सही था। उसके अलावा तो हम लोगों ने किया क्या इसके अंदर, सिर्फ ये एक स्टेप तो था। स्टेप क्या था, साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने ख़त्म किया है, चेंज कर दिया किसके फॉर्म में, कोस इनवर्स एक्स की फॉर्म में। सिंपल ये काम करना था, बस आपने ये काम किया, आपका आंसर मैच कर गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके आगे प्रैक्टिस नहीं की होती है, अब उनको नहीं पता साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। बट अब आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो इस प्रकार से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा जो बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें,
अच्छा लगेगा यार, लगेगा क्यों नहीं, लगना चाहिए आप लोगों को अच्छा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, कोई और डिमांड है किसी प्रकार की, कुछ आप चाहते हैं कुछ नए तरीके से हम कुछ चीज़ें ऐड करें, कुछ प्लस माइनस करें पढ़ाने के तरीके के अंदर, तो बता सकते हो आप हमें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो सब्सक्राइब का रेड कलर का आपको बटन दिखाई देता है उस पर रेड को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में जो बेल आइकन घंटे की बटन नज़र आएगा आपको, उसको भी प्रेस कर लें, उससे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।